अपना वोट बेचना कैसा है सर? क्या उसके बदले में मिली हुई रकम जो है वो हलाल होगी? और रकम तो एक तरफ रही, चलो अगर बिरयानी की प्लेट पर ही वोट दे दिया जाए, प्लेट मीन के आप वोट देने गए, भूख लगती है सर, धूप है, गर्मी है, बड़े दिन है, तो किसी ने कोई बिरयानी की प्लेट का अहतमाम किया हो तो उसका कुछ आवाज़ पैदा करेंगे या वो भी ठीक नहीं? देखिए, पोलिंग एजेंट वगैरह को तो खाना खिलाया जाता है, लेकिन वोटर को खाना खिलाने का ऐसा कोई रिवाज नहीं है, ख़ासतौर पे वोट वाले दिन तो कोई रिवाज नहीं जी। बाकी वो जो मुख्तलिफ जगहों पर उन्होंने अपने वो लगाए होते हैं, दफ्तर बनाए होते हैं, वहाँ पर इकराम वगैरह हो रहा होता है, तो क्योंकि उसके बदले में वोट देना मुतय्यन नहीं होता तो वो इकराम तो हराम नहीं होता, वो आप खा सकते हैं। लेकिन यह है कि जो यानी सराहतन वोट के बदले में अगर कोई पैसे लिए जा रहे हैं या कोई ऐसी बेनज़ीर इनकम सपोर्ट या कोई इस तरह की चीज़ें हैं, उनके लालच देकर वोट जो है वो लिया जा रहा है और साफ़ सुथरी बात की जा रही है इस हवाले से, तो उस सूरत में ज़ाहिर है ये रिश्वत में आएगा और जायज़ नहीं होगा। और दूसरी बात यह कि हमने पहले समझ लिया कि वोट के अंदर शहादत का पहलू भी है जी। तो गवाही जो होती है वो तो हकीकत की बुनियाद पर दी जाती है, पैसे की बुनियाद पर बिल्कुल नहीं दी जाती। तो पैसे की बुनियाद पे, तासुब की बुनियाद पे गवाही देना ठीक नहीं है, तो ये गवाही भी देना ठीक नहीं होगा, सख्त गुनाह होगा, गुनाह कबीरा होगा, और साथ ही साथ ये जो माल इसके बदले में होगा ये हराम होगा।